BS6 में आके बाइक की माँ बहन हो चुकी है, सब खत्म हो चुका है बाइक में। ये देखो इसमें पूरी लीकेज आ गई है ना। अरे इतना टाइम नहीं दिखाओ, मतलब मुझे हाँ इतना टाइम नहीं, मैं और भी कम करूँ, मुझे सुबह छोड़ो। टाइम कितना हो अभी तो? एक सुबह एंड टू एंड हो जाएगी, सुबह आ जाना। हैंड टू हैंड का कोई सिस्टम नहीं है, तुम आराम से करके दे दो मेरे को। मतलब सुबह का बंदा निकला हुआ और आधा दिन निकल गया और बाइक ठीक नहीं हुई भाई। मैं सच लिटरली बताऊं तो भाई ये मेरे ना बिल्कुल दिल के करीब थी, मैं इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भगाता था, ज़्यादा इसके साथ उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता था। लेकिन जब से इसका इंजन खुला है ना, क्रैंक डली है, उसके बाद से भाई मैं इसको नहीं छोड़ता। सो हे गाइस, रोहन है यूचिंग संस्कार देवल। तो भाई आज तुम्हारा भाई बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहा है बेसिकली, और जो व्लॉग होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है कि मतलब हमारी स्प्लेंडर 8000 किलोमीटर चली और उसके बाद 3 सर्विस कंप्लीट हो चुकी थी, और जैसी 4th सर्विस करा के मैं घर पर आया तो उसके बाद क्या हुआ, जो मेरी बाइक का जो इंजन था, इंजन में क्या हुआ कि इंजन की क्रैंक में से ना बेसिकली आवाज़ आने लगी। और तुम समझ सकते हो कि मतलब कि क्रैंक में आवाज़ आने का मतलब क्या होता है, मतलब इंजन की माँ बहन हो जाना। तो फाइनली मेरी स्प्लेंडर के इंजन की ऐसी जैसी हो चुकी है। और इवन अगर मैं तुम्हें बात बताऊँ तो भाई मतलब मैंने ये इतनी ज़्यादा भगाई भी नहीं उस टाइम तक, मैंने अराउंड ये चलाई 60 to 70, मतलब 70 तो बहुत ही कम क्रॉस करता था मैं, 60 to 50 चलाता था इसको। और उस बीच इसकी हालत बुरी हो गई, समझ सकते हो तुम कि मतलब इतनी कम में कैसे मतलब बाइक बोल सकती है। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ इसकी फ़िलहाल कंडीशन, देखो तुम नीचे से कि मतलब कैसे इसका तेल में टपक रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ बेसिकली क्या हुआ था। जब शुरुआत में मेरी 4th सर्विस करा कर मैं आया घर पर, तो उसके बाद मैंने 3 दिन बाइक चलाई और 4th दिन से इसमें आवाज़ आने लगी। फिर मैं उनको उनके पास लेकर गया सर्विस सेंटर में, उनको बताया कि भाई बाइक में ये दिक्कत आ रही है। तो मतलब वहाँ पे बोलने लगे कि भैया हमारी तरफ से तो सब क्लियर है और तुम अपनी तरफ से देख लो। मैंने कहा भाई मेरी तरफ से क्या देखना यार, एक बार बताओ, जब बाइक में दिक्कत आ रही है तो आ रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो बंदे समझने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने वहाँ पर बहुत सारी मतलब बहुत सारी कश्मकश हुई और मैंने बहुत समझाया, बहुत बताया उन्हें। मतलब मेरी आवाज़ मेरी बाइक में आवाज़ ऐसी आ रही थी लिटरली बताऊं तो बिल्कुल कि जैसे बाइक 50,000 किलोमीटर चल जाती है ना और उसके बाद जब आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आ रही थी मेरी बाइक में से। फिर उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने इसकी क्रैंक वगैरह बदल दी, और क्रैंक बदलने के बाद तो बाइक पूरी बदल गई, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई एक तरीके से। अब मैं इसको अगर भगाने की कोशिश भी करता हूँ ना, तो मतलब 80 की स्पीड पे ये इतनी मुश्किलों से जाती है ना कि मैं ही बता सकता हूँ कि बस कैसे जाती है ये। तो इन शॉर्ट मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार स्प्लेंडर ख़राब है, बट हाँ ये कह सकता हूँ कि जो स्प्लेंडर में जो जान थी ना जो पहले, वो अब नहीं रही भाई। BS6 में आके बाइक की माँ बहन हो चुकी है, सब ख़त्म हो चुका है बाइक में, ठीक है। ये तो देखो मेरा रिव्यू है, और बहुत सारी स्प्लेंडरों में भी ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, मतलब तुम चला रहे होगे तुम उसे नॉर्मली और जैसे मतलब आवाज़ उसमें से ऐसे है कि जैसे हम 4th गियर पे बाइक कर देते हैं और 20-25 की स्पीड पे से एकदम उठाते हैं तो गड़गड़ करके आवाज़ आती है, तो ऐसी आवाज़ आ रही थी मेरी बाइक में से। तो अभी फ़िलहाल मेरी बाइक की क्रैंक भी डल चुकी है, ठीक है, और क्रैंक डलने के बाद भी इंजन ऑयल लीक कर रहा है, ठीक है। तो मतलब तुम समझ सकते हो कि मतलब कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं मेरे को। मतलब यार बंदा सोचता है कि यार स्प्लेंडर ले ली जाए और ये तो टिकाऊ बाइक है, इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं यार। तो यही सोच के मैंने ली थी, और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसके बारे में बताया था कि मतलब बहुत बढ़िया है भाई, फ्यूल इंजेक्टर है तुम्हें परेशानी नहीं होगी। भाई फ्यूल इंजेक्टर ठीक है, इट्स अ बेनिफिट, मतलब कि फ्यूल इंजेक्टर अगर तुमने इसमें दिया तो वो हमारी बेनिफिट्स के लिए दिया, लेकिन अब क्या करें भाई, जब चीज़ पहले जैसी रही नहीं। मैं सच लिटरली बताऊं तो भाई ये मेरे ना बिल्कुल दिल के करीब थी, मैं इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भगाता था, ज़्यादा इसके साथ उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता था। लेकिन जब से इसका इंजन खुला है ना, क्रैंक डली है, उसके बाद से भाई मैं इसको नहीं छोड़ता। उसके बाद से मैं तो इसको ऐसे ही चलाता हूँ जैसे मैं पहले अपनी एक्टिवा चलाता था। हालाँकि तुम सबने मेरी एक्टिवा देखी नहीं होगी, आई हैव अ 10 years old एक्टिवा। अगर बात करी जाए ना उसके इसके सामने, तो भाई ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी एक्टिवा इतनी भगाई है, और एक एक दिन में 300-300 किलोमीटर तक चलाई है मैंने वो, भाई उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, ठीक है।
अभी फिलहाल मैंने अपनी एक्टिवा का इंजन करवाया, पूरा 8,000-9,000 रुपये लगा के एक्टिवा को मैंने पूरा नया कर दिया, बिकॉज मैं ये बाइक लेने के बाद समझ चुका हूँ ओल्ड इज़ गोल्ड। पुरानी चीज़ें पुरानी थी और पुरानी चीज़ों की बातें अलग थी, नई चीज़ें पुरानी चीज़ों के सामने कुछ भी नहीं है। जस्ट एन एग्जाम्पल, BS4 RC 200 रो पावर मशीन, और भाई उसका जो पिकअप था उतना पिकअप अभी किसी बाइक में नहीं है, ठीक है। RS 200 की बात करी जाए, BS4 भाई पागल मशीन थी, RS 200 BS4 इतनी लिटरली बताऊँ तो इतनी ज़्यादा भक्ति थी, अलग ही भक्ति थी। लेकिन अगर अब बात करी जाए BS6 की, ख़त्म, कुछ बचा ही नहीं यार। अभी मैं बीच में सोच रहा था कि यार इसको निकाल के R15M ले लेता हूँ, R15M लूँगा। V3 क्या भाई, V3 बवाल चीज़ है, R15M तो उसके सामने है ही नहीं, है ना, जैसे कि तुम सब जानते हो। हाँ, हालांकि तुम्हें उसमें काफ़ी सारे मोड्स मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगी, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, ड्यूल चैनल ABS मिलेगा, स्लिपर क्लच तो उसमें पहले भी मिलती थी, अब भी मिलती है, USD4 सस्पेंशन मिलेंगे। तो इन शॉर्ट मतलब उसमें काफ़ी सारी तुम्हें फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगी R15M में। लेकिन वहीं बात करें पावर की, तो पावर ड्रॉप है कहीं ना कहीं। पहले वाली R15 155 भग जाती थी ऑन स्पीडोमीटर, आई डोंट नो कि वो GPS पे कितनी भगती थी, मेरे को नहीं पता, तुम सबको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और लेकिन वो चीज़ बहुत गजब थी, वाह 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 भाई। V3 से कोई मजाक नहीं है। R15M उठा के ले आओ, उसके सामने RS उठा के ले आओ, V3 है भाई। टॉप एंड में वो बवाल मचा देती है, और एज यू नो दैट वो जापनीज़ मशीन है तो दिक्कत होती ही नहीं है। तो फिलहाल मैं अभी फ़िलहाल पहुंच चुका हूँ यहाँ पे भजनपुरा, और मेरे लेफ्ट साइड में है भजनपुरा। आज मैंने बोला भी था दोस्तों से मिलने के लिए, लेकिन क्या करें, बंदे जस्ट सो के अभी उठे हैं, और मैं मतलब अपने सिस्टर के घर पर भी होकर आ गया, उनसे मिलकर भी आ गया, और अब मैं अपने कामों को करने के लिए निकल चुका हूँ। लेकिन मैं लिटरली बताऊँ ना भाई, स्प्लेंडर मैं क्यों बदलना नहीं चाहता, तो वारंटीज़ कुछ ऐसा कहती हैं कि 70,000 किलोमीटर और 5 साल तक तुम इसको चलाओ, सर्विसेज तुम कंपनी से कराओ, और तुम्हें 5 साल की फुल वारंटी मिलेगी। कुछ भी हो बाइक में वो अपने आप ठीक करके देंगे, लेकिन शर्त उनकी बस एक वही है कि तुम टाइम से उनकी कंपनी से सर्विसेज कराओ और वारंटी पाओ। तो मैं तो सोच के बैठा हूँ भाई, मैंने बहुत सारी मतलब कि मेरे दिमाग में बहुत सारी थिंकिंग्स आई थी कि यार तो इसको निकाल के दूसरी स्प्लेंडर ले ले, हो सकता है क्या पता मतलब इस वाले पीस में कुछ इशू हो। फिर मैंने सोचा यार ये भी तो नया था ना, सोचने वाली बात है यार, जब इसमें दिक्कत आ गई तो नया पीस लूँगा तो उसमें भी तो दिक्कत आ सकती है, और अगर उसमें दिक्कत आई तो मान के चलो भाई कम से कम भी नहीं तो कम से कम मैं 20,000 लॉस में जाऊँगा आराम से, अगर उसमें भी दिक्कत आती है तो। तो स्प्लेंडर डजंट मैटर कि इसमें कितनी परेशानी आ रही है, चाहे इंजन 3 बार खुले चाहे 4 बार खुले, मैं तो इसे ही चलाने वाला हूँ, और एक दूसरी बाइक लूँगा मैं मतलब लंबे टूर वगैरह पे जाने के लिए। और आजकल तो अभी मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ लंबे लंबे टूर वूर पे जाने के लिए, लेकिन अगर मेरे को जाना पड़ेगा अभी जैसे सडनली मेरे को जाना पड़ गया, दोस्तों का प्लान बन गया, तो मैं अपनी स्प्लेंडर उठा के निकल जाऊँगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको थोड़ा ठीक भी करवा लेता हूँ, इतने इसके पीछे हम अपने 10 साल पुरानी एक्टिवा चलाएंगे, उसी से ड्यूटी व्यूटी जाया करेंगे, 2-3 ब्लॉग्स मारूंगा मैं उसके ऊपर, तुम्हें दिखाऊंगा कि मतलब 10 साल पुरानी एक्टिवा में क्या था जो आज की एक्टिवा में नहीं होगा, आई एम डैम श्योर वो चीज़ें ये लगती। देखो मैं इसका पूरा वो खींचता हूँ एक्सेलरेशन, और अभी डाउन जा रही है तो शायद ये भग जाएगी 90 के समथिंग, अदरवाइज ये नहीं भग पाएगी। अभी तो ये 90 क्रॉस कर चुकी है, मतलब 90 के समथिंग पहुंच चुकी है, अभी ये हूँ कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको फ्लैट सरफेस पे भगाऊंगा ना तो ये नहीं पहुंच पाएगी 90 के पास,
और ये पहले ऐसे मतलब ऐसे 2 सेकंड में पहुंच जाती थी ना 90, 2 सेकंड में बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ये पहले इतनी जल्दी 90 पहुंच जाती थी कि अलग ही फील आता था, लेकिन अब वो वाली बात रही नहीं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ सिग्नेचर ब्रिज, यू कैन सी ओन देयर, देयर इज़ अ सिग्नेचर ब्रिज। रात में जितना खूबसूरत ये लगता है ना, दिन में उतना ही अजीब लगता है भाई। दिन में मज़ा नहीं आता इसको देखने में इतना, लेकिन रात में बड़ा प्यारा लगता है यार। मतलब काफ़ी सारे तरीके की लाइट्स जल रही होंगी इसमें और अलग ही लुक आ रहा होगा भाई। तो मैंने उसमें डाला हुआ मतलब नाइट व्यू और सिग्नेचर ब्रिज, तुम देख सकते हो उसमें, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे फुल हरे हरे हो रखे हैं लोग, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बात है, क्या बात है भाई। कंफर्ट जोन की बात करें ना, तो कंफर्ट जोन इतना प्यारा है ना इसमें, स्प्लेंडर में अलग ही मज़ेदार। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है इसे चलाने में भाई। जब से इसका इंजन बोला है ना, ओ ओ ओ ओ, ओ यहाँ पे कॉर्नरिंग करी तो वहाँ पे जाके लगेंगे, समझ रहे हो। मैं नॉर्मली चला रहा था इस पर और मेरे टायर्स ऐसे बबल कर रहे हैं, कोई नहीं इस पर भी मैं चलाऊँगा। हालांकि मैं उधर चला सकता हूँ, मैं इसी पे चलाऊँगा, मैं ढीट हूँ भाई पूरा। अब मैंने सोचा यार बेसिकली कि मतलब मैं ना डेली व्लॉग्स करा करूँगा यार, मतलब डेली व्लॉग्स करने में एक अलग ही मज़ा होगा। कुछ दिन करके देखता हूँ पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा मिलता है कैसा नहीं मिलता, क्योंकि अभी मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी उस पर 25 ही व्यू आए भाई, 25। कहाँ मेरी दूसरी वीडियो, उस पर 25,000 व्यू पहुँचने को जा रहे हैं ये देखो। और यहाँ मेरी कुछ वीडियोस पे जा रहे हैं 25 ही व्यूज़, ये देखो जुपिटर वाले भैया पागल हो गए हैं। होने दो पागल होने दो। अभी आएंगे पीछे से कट वट मारते हुए, ओ तेरा भाई ये देख रहे हो, तेरा भाई। मैं सच्ची बताऊँ तो जब से इसका इंजन खुला है ना, मैंने इसकी फुल जान ले रखी है और मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता अब इसको। पहले को तो मैं एक बार को मतलब इस पर रहम खा भी लिया करता था, बट अब नहीं खाता भाई मैं ज़रा सा भी रहम। अभी इतनी भगाई है ना देखो, अब मेरी बाइक के इंजन में से ना आग निकल रही है, मैं तुम्हें सही बताऊँ तो। ओहो हो अभी इसमें से आवाज़ें आनी चालू हो चुकी हैं, कटर 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 करके आवाज़ें करने लगी है, बिकॉज अब ये गर्म हो चुकी है और जो इसकी जो परेशानी है क्रैंक वाली, तो वो दोबारा सामने उभर कर मेरे सामने आने लगी है। बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्या हुआ भाई साहब, चढ़ नहीं पा रहे हो, रिंग रिंग के चढ़ रहे हो, रिंग रिंग रिंगा। तो भाइयों फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ बुराड़ी के सर्विस सेंटर में, बाइक लगा देते हैं थोड़ी यहीं पे साइड में। भैया नंबर डाल देना, नंबर डाल दो नंबर। हाँ नंबर है? नहीं ले रहे बुकिंग, मेरे को सर्विस नहीं करानी, मेरे को बाइक ठीक करानी है आज, नीचे एक दो दिन में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इसमें पूरी लीकेज आ गई है ना, ये मैंने फोर्थ सर्विस जब कराई है ना उसके बाद से हुआ है अभी ये। इसकी सारी की सारी सर्विस जितनी भी है यहीं पर हुई है, यहाँ के अलावा कोई कहीं कुछ नहीं हुआ इसका। सर्विस भैया अभी 9,000 है, 8,000 पे मैंने सर्विस कराई थी, 1,000 किलोमीटर बाद सर्विस हो जाएगी इसकी, 3,000 के बाद मतलब। हाँ 3,000 के बाद ही, 3,000 आपने बोला था, 3,000 किलोमीटर और 3 महीने।
तो उससे ऊपर होने वाला होता ही नहीं इसका। सुबह 8 बजे ब्रदर मेरे को ना ड्यूटी जाना है सुबह। हाँ छोड़, अभी ले जाओ, अभी छोड़ देता हूँ मैं। सुबह 6 बजे नहीं, सुबह ड्यूटी क्या बजा दिया यार? मेरी तो सुबह मतलब 8 बजे शिफ्ट होती है ना, सुबह 8 बजे यहाँ गाड़ी खड़ी करके चले जाना। फिर मैं पहुँचूँगा कितने बजे? गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन चेक मैं छोड़ने की कोई दिक्कत नहीं, मैं छोड़ अभी छोड़ सकता हूँ। सुबह छोड़, अभी खड़ी करने की जगह नहीं, बहुत ही भरी पड़ी है। हल्की सी जगह बना के करवा दो यार। पता है क्या, तुम मानोगे नहीं, तुम्हारा आज़ादपुर वगैरह हर जगह 1.5 घंटा आज़ादपुर खड़ा होकर आया हूँ मैं। आप गाड़ी या तो सुबह ले आओ, तो इसको 1 घंटे बैठ लेना, सुबह करके दे देंगे। नहीं मेरे को जल्दबाजी नहीं है कोई, आप 2 दिन में करके दो, 3 दिन में करके दो। आप सुबह गाड़ी छोड़ो बाइक यार, अभी छोड़वा लो। नहीं भैया, क्योंकि मैटर पता है क्या है, गाड़ी खड़ी करने को जाएंगे, 10 गाड़ियाँ अभी वापस करी है इनकी भी। मैटर टूट जाएगा, आप ही बोलोगे कंपनी आप करके दो। अरे यार यार देखो, मानोगे नहीं, मैं सुबह 8 बजे से घूम रहा हूँ भाई इसी चीज को लेके। तो वैसे कहाँ आए आप? ठीक है, पहले नहीं पहले तो मैं वहाँ गया था तुम्हारे, जहाँ से मैंने बाइक लिया बाइक नेशन में, ठीक है, फिर आज़ादपुर खड़ा होकर आया हूँ। ये देखो मेरे मैसेज पे कार्ड, जॉब कार्ड का भी आया हुआ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे इतना टाइम नहीं, दिखाओ मत मुझे, इतना टाइम नहीं, और भी काम करो, मुझे सुबह छोड़ो गाड़ी आप। यार आप अभी नहीं रखवा सकते इसको? नहीं, आपका स्क्रैच आ गया, टूट गया, कुछ भी, इसे कौन डालेगा, जिम्मेवारी कौन लेगा इसकी, बताओ। सुबह आओ, सुबह गाड़ी छोड़ जाना, या फिर 1 घंटे बैठना, चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। क्या सुबह एंड टू एंड हो जाएगी, सुबह आ जाना। एंड टू एंड का कोई सिस्टम नहीं है, तुम आराम से करके दे दो मेरे को, छोड़ देना गाड़ी, 8 बजे, ठीक है। अभी टाइम कितना, अभी तो 1:23 ही हुए हैं यार। गाड़ी सुबह छोड़ देना, सुबह ले ले गाड़ी, छोड़ देना।